टाइम नहीं मिलता आपको, स्पेशली रॉमफर्ड लंदन से दूर है। आई एम रियली थैंकफुल कि आप शेयर कर रहे हैं। टॉपिक क्या है कि पाकिस्तान के बेहतर फ्यूचर के लिए हमारे पास क्या सजेशन है। देखिए, लोग तनकीद तो करते हैं पाकिस्तान में ये खराब है, और एक पेंटिंग की तरह हम जाके डॉट लगा देंगे यहाँ से खराबी है। व्हाई नॉट टॉक अबाउट सजेशन ऑनली टुडे, सॉल्यूशंस। व्हाई नॉट मेक इट अ पॉजिटिव नोट कि जब हम लोग आज घर जाएं तो वी हैव सॉल्यूशंस इन माइंड रादर देन प्रॉब्लम्स। मेरा सजेशन ये है कि आज की डिस्कशन को हम जितना पॉजिटिव रखें हमारे लिए उतना अच्छा है, हम घर जाके जब अपने बच्चों को एक अच्छा मैसेज दे सकें। तो आई इनवाइट राना साहब टू टेक द स्टेज एंड प्लीज मेक अ स्टार्ट फॉर द प्रोग्राम। राना साहब पेशे के एतबार से लॉयर हैं और बहुत ही पैट्रियाटिक हैं। हम दोनों जिना फोरम के को डायरेक्टर्स भी हैं और हमने कुछ प्रोग्राम किया, और मुझे जिना फोरम में जो एनर्जी मिलती है वो राना साहब से मिलती है। ही इज द पायनियर ऑफ द प्रोग्राम एंड आई रियली रिकमेंड दिस पैट्रियोटिज्म वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उसका किस तरह से हल तलाश किया जा सकता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में हुक्मन इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तवद्दुल अमानते इला अहलिहा। यह है पहला हिस्सा कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जब तुम मुंतखब करो किसी को तो ऐसे शख्स का इंतखाब करो जो इस अहल हो। और फिर दूसरा हिस्सा है वाइजा हकम तुम अन तहकमु बिलाद, जब तुम्हें हुकूमत दे दी जाए, फिर ये उन लोगों से है जिसमें आदा हुसैन साहिबा और फख्र इमाम जैसे लोग मौजूद हैं, फिर इन लोगों पर यह हुक्म लागू होता है जब तुम्हें हुकूमत दे दी जाए तो फिर तुम इंसाफ करो। अब ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों में हल मौजूद है। क्या अवाम जिम्मेदार हैं, हम ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं, और फिर उसके बाद अवाम कितने जिम्मेदार हैं, और उसके बाद फिर हुक्मरान जो है हमारे वो कितने जिम्मेदार हैं। आदा हुसैन साहिबा पाकिस्तान की सफीर रही हैं सोलवी एम्बेसडर की वर्षे में, और आदा हुसैन साहिबा को ये फख्र भी है, ये एजाज भी है, अगरचे इनके मियाँ फख्र हैं लेकिन इन्हें ये फख्र और ये एजाज भी है कि पाकिस्तान की ये पहली मुंतखब MLA थी और पाकिस्तान की पहली मुंतखब डिस्ट्रिक्ट संघ की ये चेयरपर्सन भी थी। और फिर इंतहाई कम उम्र में भुट्टो जब हुकूमत में आए 1970 में, उस वक्त पहली MPA खातून पंजाब से मुंतखब हुई थी आदा हुसैन साहब। मैं मुंतजमीन की अजहद मशकूर हूँ कि हमें यहाँ पे याद किया गया है और मौका दिया गया है कि हम पाकिस्तान से दूर बैठ के और अपने मुल्क के बारे में जो हमारी सोचे हैं वो आपके साथ शेयर करें। और जैसे कि कहा गया है कि हम हल बताएं कि इन हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान की कैफियत में बेपनाह मसाइल हैं इनका हल क्या है। यहाँ पे इस धरती में, ये धरती हमारी तो नहीं है ना, जिनकी धरती है वो नस्ली इम्तियाज भी रखते हैं और वो हमारे मजहब से भी अब अपने आप को दूर करते हैं।
तो यहाँ पे और किस्म का स्ट्रगल है, लेकिन है। अगर आप नौजवान अपने वतन में जाएंगे वहां पे स्ट्रगल होगा, यकीनन होगा, तल्ख भी होगा, लेकिन वहां पे एक सेटिस्फेक्शन ये होगी कि ये अपनी धरती है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया राणा महमूद साहब और डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब, अपने माजी की तरह आज फिर एक बहुत शानदार नशिस्त का एहतमाम किया और खूबसूरत लोगों को मजबूत किया। और मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, मैं छोटा सा हूँ, सेशन जज नहीं था। राजा साहब अभी सोच रही होंगी कि इतनी कम उम्र सेशन जज कहाँ से आ गए। मैं एक सिविल जज था और जुडिशल मैजिस्ट्रेट था, मेरी पहली पोस्टिंग झंग में भी। मुझे एजाज है कि मैं उस धरती को मैंने सर्व करने की कोशिश की, लेकिन कुछ जो फैक्टर्स आपको भी पता है कैसे होते हैं, शायद हम जैसे बुरे लोगों को, या अगर हम इसको अदरवाइज तो इस पर तरजीह करें पसंद नहीं करते, तो पोस्ट आउट हो गए। शायद मैं वाहिद प्रिजाइडिंग ऑफिसर था कि मैंने अपने 1.5 साल के अरसे में मैंने 3 स्टेशन देखे, झांग, फिर गुजरावाला, फिर राजनपुर। तो मुझे किसी ने कहा, जब मैंने राजनपुर से रिज़ाइन करने किया तो किसी ने कहा, यार अब इससे आगे तुम कहाँ जा सकते हो, लास्ट पंजाब। तो मैंने कहा नहीं, बात ये नहीं है, ये ट्रांसफ़र होना। तो मेरा ख्याल जो एक ज़ाती तजिया ये था कि शायद जिस चीज़ पर हम आज फोकस करने लगे वो यही है कि हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। वो नहीं चाहते कि उनके दरमियान जो एक मुनसिफाना फैसला, ये तो ठीक है पॉलिटिकल फैक्टर भी होता है वहाँ पर, सोशल फैक्टर भी होता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी होता है जो आपको मजबूर करता है अपने असल से हटने के लिए, अपने फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारे दरमियान मुनसिफाना फैसला, और इसलिए हमें बहुत तालीम, बहुत शौर की ज़रूरत है। तो हमें इस बात पर फोकस करना है कि जिस तरह हम उन 3 माह या 4 या 6 माह स्पेड वर्क करते हैं अपना इलेक्शन जीतने के लिए, तो क्या हम 4 साढ़े 4 साल ये काम नहीं कर सकते? फिर देखिए कि हम कैसे तरक्की की राह पर काम करेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान के मसाइल का हल चंद हाथ में बयान करना मेरे ख्याल में बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक बात है। 18 करोड़ की आवाम 2012 में, अगर उसका हम मुकाबला करें जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, 198 ममालिक हैं अक़वामे मुत्तहिदा, हमारा मुल्क 6ठी आबादी का मुल्क है दुनिया, हमारे से ज़्यादा चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आगे चले जाएंगे जो हमारी रफ्तार है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब देखना यह है कि हम कहाँ खड़े हैं दुनिया में, सियासी लिहाज से, इक्तसादी लिहाज से, समाजी लिहाज से, क्योंकि हमने दुनिया का मुकाबला करना है। अगर हम उस जहन से नहीं चलेंगे तो फिर हम इधर उधर ही घूमते रहेंगे जैसे हम घूमते रहे 64 साल। पाकिस्तान मारे से वजूद में आया, बंगाल में इलेक्शन हुआ, पंजाब में इलेक्शन हुआ, सिंध में इलेक्शन हुआ, फ्रंटियर में रेफरेंडम हुआ, बलूचिस्तान तो सूबा ही नहीं था, और फैसला उस वक्त 32 मिलियन लोग हम थे मगरबी पाकिस्तान की, और 37-38 मिलियन थे मशरकी बंगाल उस वक्त के अलावा। उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान हमारे वजूद में आएगा, और क़यादत थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, बज़रिया वोट, क्योंकि अंग्रेज जिसकी अभी बात मैग्ना कार्टा की 1215 की, और फिर इन्होंने बात की, तो आपकी तारीख आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि मैं भी तालिब इल्म रहा यहाँ थोड़ा सा, मैं वाकिफ हूँ बरतानिया की तारीख से, और फिर जो 17वीं सदी में पार्लियामान और बादशाहत का टकराव हुआ पाकिस्तान में, तो पार्लियामान का जर्नल्स के साथ टकराव हुआ था, 4 मरतबा उनकी हुकूमतें आईं, जनरल अयूब, याह्या, ज़िया, मुशर्रफ, उसका हम कौन जिक्र करते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ एक कंटिन्यूटी नहीं रही। जब तक हम इंसाफ अदल मुहैया नहीं करेंगे तब तक अपने इदारों को के अंदर वो जिद्दत नहीं पैदा करेंगे, और फिर लोग भागते जाएंगे पाकिस्तान जब वहाँ मेरिटोक्रेसी और एक्सेलेंस के हम इदारे खड़े करेंगे, इदारों को अब अहमियत दें
और एक और बात, अगली पार्लियामेंट जिसकी भी आए एक चीज को जरूर खड़ी करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन पास करें। इसका मतलब क्या, मगरबी ममालिक में सब लिखी हुई है। एक नंबर दो, एथिक्स कमिटीज बनाए अपनी कि जो गलत काम करता है उसको समन करे। आप देखते हैं यहाँ एमपी ने तो मर्डॉक जैसे आदमी को क्या किया सामने बुलाकर, और अब ये बैंक बार्क्लेज बैंक के आदमी को क्या किया, आपके इदारे कर रहे हैं, हमारे इदारे ये नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर वो लोग आने नहीं दिए जाते जिनको पता है कि कैसे चलाए। बाय द वे उस वक्त जुनेजो साहब ने कानून साजी नहीं की थी जब मैंने वो, और सिर्फ मैंने तो सिर्फ रेफरेंस भेजा था, फैसला करना था चीफ इलेक्शन कमीशन, पर उनके अंदर इतना शऊर कह ले या पेशेंस नहीं था, टॉलरेंस नहीं थी कि वो उस चीज को कर जाते। बाद में उन्होंने कानून साजी की टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड द पार्टी। ये है हम आपका और मेरा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खासतौर पर पाकिस्तान से तशरीफ लाए मौजूद मेहमानान गिरामी, स्टेज पे बैठे हुए मेरे सीनियर साथी और हाजरीन, आप एक शानदार कौम हो, आपके अंदर रेजिलियंस बेशुमार है, आप बेहद तक पहुंचे हुए दोस्त कौम हो। इस हद तक दोस्त कौम हो कि आप अपने दुश्मनों के लिए भी अपने बाजू खोल देते हो और उनको गले लगा देते हो। अगर मुल्क पे और वतन पे कोई मुश्किल वक्त आन पड़े तो आप अपने घर खोल देते हो, अपने दरवाजे खोल देते हो, अपने जेबें खोल देते हो, अपने बैंक बैलेंस खोल देते हो। लेकिन मुझे नफरत है आपसे जब आप एक दूसरे का एहतराम नहीं करते हो, जब आप एक दूसरे को जगह और मुकाम नहीं देते हो, जब आप एक दूसरे की टांगे खेलते हो। जनाब अली, ये बात शाकिब कुरैशी चेयरमैन कारवाने फिक्र अगर करे तो आपके दिल पे असर नहीं होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान की एक मोहतरम शख्सियत अमेरिका के अंदर एम्बेसडर रही, अमेरिका की एक एम्बेसडर जो पाकिस्तान रह के गई एनडब्ल्यू पैटरसन, उन्होंने ये अल्फाज बयान किए अपने आखिरी इंटरव्यू में जब वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही थी। फ्यूचर सब मुल्कों का, सबको पता होता है क्या होना है, जो पॉलिसी साज इदारे होते हैं वो उसके साथ अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें उस वक्त कैसे इंटेलिजेंस का सामना करना है। आज से 4 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान से एक लड़की को फुल स्कॉलरशिप दे के पाकिस्तान में हैंड पंप्स पे एक PhD थीसिस लिखवाया है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या करना है पाकिस्तान के हैंड पंप्स को, इसलिए किया गया है कि जब अब जो दुनिया में जंगें होगी वो पानी की होगी, उन्होंने पाकिस्तान के जो पानी की सारी सूरत हाल है, हैंड पंप क्या कैसे लगता है, कास्ट कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, कितनी चाहिए क्या, ये सब उनके पास आज मौजूद है, 4 साल पहले उन्हें ले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ कहना भी है, लेकिन मेरे मुझसे पहले जो बातें हो चुकी हैं हमारे मोहतरम मेहमानों ने जो कही हैं, मेरे मैं उस पर कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर सकता। उसी के सामने रखते हुए मैं यही अर्ज करूँगा कि एक चाइनीज़ कहावत है कि जब मछली खराब होती है तो सर से खराब होती है। दूसरी चीज मैं आपके सामने ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला का एक कानून है, अल्लाह ताला ने कौमों को ठीक करने के लिए पैगंबर भेजे, पैगंबर एक है और उसके बाद कौमें ठीक होती हैं। मैं समझता हूं कि जिस वक्त तक जो हाल ही उन्होंने बताया कि तालीम वगैरह वो भी होने चाहिए, लेकिन जिस वक्त तक हमारी कौम में मेरिट के हिसाब से उनके लोगों को चुना नहीं जाता और तालीम नहीं दी जाती और हमारे लीडर ठीक नहीं होते, हमारी कौम कभी ठीक नहीं हो सकती। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जंग को एक आलमी हैसियत हासिल है जिसका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ कि वर्ल्ड के दुनिया के नोबल प्राइज विनर जिन्होंने पाकिस्तान का सर ऊंचा कर दिया डॉक्टर, उनका जिक्र करते हुए लोग ज़रा डरते लेकिन मैं नहीं डरता। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही बुलंद मकाम अदा किया। हमें बहुत सारे अब्दुल्सलाम पैदा करने थे, हमने नहीं किए। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो हमें यही पढ़ाया जाता था सिलेबस में कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। हमें अपने सिलेबस को भी प्यार और मोहब्बत से पढ़ना चाहिए।
नेबर्स के साथ कैसे रहना है और दुनिया के साथ कैसे रहना है। पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर, एक छोटी सी बात दीजिए, जिस लिस्ट में वेरी केयरफुल कि सड़क पार करने से पहले दाएं देखिए, दिस कैन सेव 20 एक्सीडेंट्स अ डे अप्रोक्सीमेटली। छोटी सी बात कि सड़क पार करने से पहले दाएं देखिए, अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा सके प्राइमरी लेवल से तो कितनी डेथ्स हम बचा सकते हैं, कितने पेरेंट्स का दुख बचा सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने मुल्क में एक कैंपेन चलाएं, लेट्स पुट एजुकेशन एज एन इमरजेंसी, ये स्ट्रगल करें। जैसे आई थिंक किसी कंट्री ने किया होगा, जो तारीख तान है वो जानते हैं कि एक मुल्क ऐसा है, मुझे नाम उसका जहन से निकल गया, जिन्होंने ये स्लोगन किया था कि लेट्स पुट एजुकेशन एज एन इमरजेंसी एंड देन इन 10-20 आई थिंक मलेशिया, थोड़ी मलेशिया देखिए उस कंट्री को, देखिए हम इनटू फ्रीडम विद अस, आज वो कहाँ है, उनके पास इंटरनेट सिटी है, बहुत कुछ है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि हम अपने मुल्क में एक स्लोगन बनाएं। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश जरूर कर रहा हूँ थ्रू माई मीडियम TVFX के थ्रू कि हम लोग इंशाल्लाह एजुकेशन को एक प्रायोरिटी रखें और इसको बेसिक लेवल से शुरू कीजिए, ऊपर ले जाइए हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन हमारे मुल्क को कलेक्टिवली इंडिविजुअली एक स्टैचर देगी, एक ऐसा स्टांस देगी जो हम लोग यकीन कीजिए इसके बगैर हम तरक्की कर ही नहीं सकते। हमारे पास वी हैव गोल्ड रिजर्व, वी हैव डॉलर्स एंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट हैव पीपल टू ऑपरेट, आई थिंक थोड़ी देर पहले सैयद फखर इमाम साहब से यही बात हुई थी कि देयर आर टूल्स आर देयर बट देयर इज नो ब्रेन टू रन इट। आई थिंक बेसिक एजुकेशन एज एन इमरजेंसी एंड प्रायोरिटी फॉर हायर एजुकेशन एंड एनकरेजमेंट एंड इंसेंटिव्स by the government level for higher education, jo log professionals hain unko mulk se bahar jane ke liye facilitate kiya jaye, ambassador to ambassador, government to government, aise channels banaye jaye ki mulk se jo bahar log jana chahte hain for higher education ko problem ko prioritize kiya jaye। bismillahir rahman rahim, mera khayal hai ki mujhse pehle jo logon ne tajaviz diye hain ye baatein wo kafi mukassar hain। main samajhta hu ki do teen cheeze hain, एक तो ये है कि हमने जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें ये है कि हमने उसमें इन्वेस्ट करना है और ख़ास करके टेक्नोलॉजी में और साइंस में करना है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना मेरे नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उसको हम टर्न इनको पॉजिटिव चीज़ में करें। वो जो सवाल अफदा हुसैन साहब के, बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ कर जाना चाहते हैं, क्यों और इसका हल पॉजिटिव, ये सवाल मैं तनकीद की गरज से नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग इस मकाम पर हैं और उस मकाम से होकर आए हैं, आप दोनों वजीर तालीम के तौर पर आपने सर्व किया है, क्या आप समझते हैं कि ये जो सेंस ऑफ ऑनरशिप और सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी खत्म हुई है, इसको किस तरह से बहाल किया जा सकता है? जिस पाकिस्तान में मैं रहती हूँ, फखर इमाम ने 18 करोड़ का मिल्की बदखबरी सुना दो पौने 19 करोड़, उस पाकिस्तान में मुझे, मैं वसुख से कह सकती हूँ क्योंकि आई एम वन ऑफ देम, कि 90% पाकिस्तानियों को अपनी धरती छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और मैं चूंकि मेरा ताल्लुक एक पॉलिटिकल विंग से भी रहा है चेयरमैन रहा हूँ मैं पर्सनल फेडरेशन का, मैंने काफ़ी तफसीली गौर से ये डिस्कशन जो है ना ये सुनी है, लेकिन बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि भाई एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन के साथ पॉलिटिकल एजुकेशन, पैनल से इसका जवाब लेंगे, लेकिन आपका सवाल ले लें मनान साहब। हल्की बात हो रही थी तो उसमें बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट किया गया, फखर इमाम साहब ने मोहतरम है उन्होंने इंसाफ की बात की और बहुत सारे लोगों की, एक तासुब जो है ये भी हमारे माशरे में बहुत हद तक पाया जाता है, उसकी मिसाल एक मोहतरम ने डॉक्टर अब्दुस्सलाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अभी रिसेंटली मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि उनकी जो उन्होंने स्टैंडर्ड मॉडल जो पेश किया था उस पर काम हो के एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है साइंस में, एक बोसन के हवाले से आप लोगों ने पढ़ा हो, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, अमेरिका तक, इवन के हिंदुस्तान के अखबारात में बहुत बड़े अखबारात में मैंने खुद आर्टिकल्स पढ़े जिसमें उन्होंने डॉक्टर साहब को, क्योंकि उसकी बेसिक थ्योरी उनकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सियासतदान हुकूमत इस पर खामोश है और मीडिया इस पर खामोश है। अस्सलाम वालेकुम, और मैं डॉक्टर सैयद चुगताई के नक्शे कदम पे जितना पाकिस्तान के लिए कर सकते हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि मैं पाकिस्तान का ग्रेजुएट हूँ, मैंने 3 ग्रेजुएशन की है,
और मेरा एम बी ए हो चुका है, मैंने 17 सब्जेक्ट के ए लेवल किया, पाकिस्तान का वन ऑफ द यंगेस्ट ए लेवल पर्सन था मैं, और 17 सब्जेक्ट में कभी इशू नहीं किया पाकिस्तान में, मैं एटी सन से पढ़ा हूँ, और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटर एग्जाम्स होते हैं, 35,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद मैंने टॉप किया था, उसके बाद मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, दे रिफ्यूज टू गिव मी स्कॉलरशिप, आई डिडंट नो व्हाई, बट दे क्लियरली आस्क्ड मी फॉर द रेफरेंस फॉर द स्कॉलरशिप. तो ऐसा क्यों है, आप बात करते हैं कि एजुकेशन होनी चाहिए, तो करप्शन का खत्म करेंगे? मेरा आपको बेटा जवाब ये है कि पाकिस्तान में 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और आजकल हर कोई अप्लाई करता है ऑनलाइन, ठीक है, तो अगर आपने एक यूनिवर्सिटी से आप डिसअपॉइंट हुए तो आपको चाहिए था कि आप और यूनिवर्सिटीज की तरफ भी रुझू करें, पहली बात. दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आपका ए लेवल का रिकॉर्ड है जैसे आप बता रहे हैं और अगर आपका इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड है जैसे आप बता रहे हैं, तो आप अगर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस को अप्लाई करेंगे और आप उनके प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अगर आप इफ़ यू आर अप टू द मार्क, क्योंकि वहाँ पे कोई सिफारिश नामी चीज़ नहीं है, सो इसलिए आप अगर अप्लाई करेंगे, आप बॉदर करेंगे, तो यू मे गेट थ्रू. काशिफ साहब का सवाल यही था, पाकिस्तान एक तरफ तो ये कहते हैं कि अमन है, सुकून है, ठीक है, वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात आ गई, तो दूसरी बात लीज पे देने का, लीज पे आप, वो तो मेरा नहीं ख्याल के कोई सेन आईडिया. और दूसरी बात ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि पॉलिटिकल प्रोसेस रुक गया, उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीज का, तो आप उसके प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं. आप खुद देख लीजिए जो स्टूडेंट लीडरशिप आई है वो आज कितने लोगों को, मुझे एक ख्वाजा साहब भी ठीक किया, मुझे नहीं कि स्टूडेंट नजर आया जो आज अभी उसको थोड़ा सा बोल रहे था. मेरा ख्याल में बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में 3 आईन आए, 56, 62, 73. 73 का आईन मुख्तलिफ शक्लें तो बदलता रहा, उसी को लेकर हम आगे चले, और क्यों आए उसको सस्पेंड भी किया गया, एब्रोगेट नहीं किया गया, 56 के आइन को एब्रोगेट किया गया था. वजह यह थी कि 73 के आइन में शराकत इक्तदार थी, सिवाय 4 अशखास के सब ने उसमें एग्री किया था. एक पॉलिटिकल कंसेंसस था, सोशल कंसेंसस पॉलिटिकल कंसेंसस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको लोग जो है, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है पर मुल्क चल रहा है, कस्टम्स कन्वेंशंस ट्रेडिशंस और मुख्तलिफ जो लेजिस्लेशन हुई है उसके ऊपर चल रहा है. उसका वो यही है कि आईनी तरमीम के जरिए एक फैसला किया गया था 74 या 75 में, जिसकी वजह से वो एक मसला बन गया और कम लोग उसकी बात करते हैं, उनका एक अपना मकाम रहा. डॉक्टर साहब आज की ये काविश, इसमें डॉक्टर साहब मेरे साथी थे, आई एम ग्रेटफुल टू यू, खूबसूरत नशिस्त का इहतमाम किया. चूंकि ये जनाब फोरम है, कायद की एक बात पर अपनी गुजारिशात को ख़त्म करूँगा. मुनीर अहमद मुनीर हमारे बहुत सीनियर हैं, अदनान साहब जानते हैं उन्हें, 82 ईयर्स ओल्ड हैं इस वक्त. वो द लीडर के नाम से, द ग्रेट लीडर के नाम से उन्होंने एक किताब लिखी है कायद अजम पर. वो लिखते हैं कि जब वो 1962 में उन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया तो उस वक्त बड़े जज्बाती थे और वो कायद को काफर तक समझते थे और फिर कायद पर वो तहकीक करने के लिए निकले. 43 साल के बाद द ग्रेट लीडर जो किताब उन्होंने लिखी, वो कहते हैं 43 सालों में मेरी जो अर्क रेजी है, कहीं झूठ, कहीं खौफ, कहीं लालच, मसलहतन भी किसी का दिल रखने के लिए भी झूठ नहीं बोला. अल्लाह करे कि पाकिस्तान को कायद आजम जैसा कोई कायद अता हो, नसीब हो, और हमारी जो कश्ती भंवर में है उससे निकल जाए. और ये जो बर्दाश्त की बात की सैयद फ़ख्र इमाम साहब ने और बहुत सारे शुरका ने, उसी पर हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे. और फिर मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी पर जो जालिब ने कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे, वतन का चेहरा खून से धो रहे, गुमान तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे.